अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शामी कबाब की बहुत ही शानदार रेसिपी। और इस तरीके से बनाएं तो आपके कबाब जो हैं वो बड़े ही आला बनेंगे। और सबसे पहले मैंने ले लिया है बीफ, इसको मैंने डीफ्रॉस्ट करके रखा हुआ था। और कोशिश करनी है आपने कि बोनलेस सारा मीट हो और इसमें हड्डी वगैरह ना हो। तो अगर थोड़ी बहुत फैट इसके लगा भी हो तो वो हम जब बॉयल हो जाता है ना गोश्त, तो हम उतार देते हैं उसको। तो इसमें जाएंगे लहसुन अदरक और क्वांटिटी आपने देख ली है, प्याज 3-4 मीडियम साइज़ के प्याज थे। और इसमें जो ये मसाले जो सारे थे, इसमें था ज़ीरा, सूखा धनिया और ये गोल वाली लाल मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन अदरक ज़्यादा क्वांटिटी में आपने डालना है। और आपने इतना पानी डालना है कि गोश्त जो है ना वो आपका हाफ़ कुक हो जाए। तो अभी मैं इसमें दाल ऐड नहीं करूँगी, चने की दाल अभी इसमें ऐड नहीं करूँगी। अभी हम इसको प्रेशर लगा देंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स। और हम गोश्त को इधर देखें, पूरा ये कुक नहीं हुआ, गोश्त गला नहीं है। तो इस पॉइंट पे ना हम इसमें अब दाल ऐड कर देंगे। और दाल को भी मैंने पहले से ही तकरीबन आधा घंटा हो गया था इसको मैंने सोख करके रखा हुआ था। तो अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। और तकरीबन हमारा गोश्त होगा 1 kg के बराबर, तो इसमें 1.5 पाव तकरीबन इतनी दाल है ये ना, तो चने की दाल। तो मैं दाल की क्वांटिटी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं रखती इसमें, और क्योंकि मीट के ज़्यादा रेशे। अब ये ना देखें, इस पॉइंट पे ना अब दाल मेरी गल चुकी है, हल्का सा इसमें पानी है, गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है, मैंने चेक कर लिया इसको। और इसको ना अब हमने करना है, मैं आपको हाथ से बता रही हूँ। अब हमने इसको ना मतलब जो हवन दस्ता होता है या चट्टू बट्टा, उसकी मदद से ना मैं वो डंडे की मदद से ना इसको कूट लेती हूँ इसी प्रेशर के अंदर। और यहाँ पे मैंने इसको मैं पीस लूँगी। और यहाँ पे मैंने ले लिया साबुत ज़ीरा और सूखा धनिया, इनको मैं ऐसे ड्राई रोस्ट करूँगी। और इतना आपने करना है कि अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लगे। ये इस कबाब का मेन इंग्रेडिएंट है और जो इसको कबाबों को एक स्पेशल फ्लेवर देता है, बड़ा ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और इसमें मैंने ये गोल वाली लाल मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड कर ली। और अब मैं इसको थोड़ा सा पीस लूँगी। तो अब मैं कोशिश कर रही थी कि डब्बी में मसाला चला जाए पर ये गिर रहा था। तो यहाँ पर मैंने जो प्याज थे ना वो मैंने चॉप कर लिए हैं, इसी तरह 3-4 मीडियम साइज़ के प्याज, उसमें 3-4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली, उनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और वो जो मसाला मैंने था ज़ीरा और सूखा धनिया, उनको भी मैंने पीस लिया अच्छे से। और उसमें थोड़ी वाली गोल वाली लाल मिर्चें भी मैंने ऐड की थी। और ये ऐसे हाथ से अगर कूटे ना इनको कबाबों को, तो रेशा रेशे बड़े अच्छे बनते हैं, चॉपर की निस्बत अच्छे रेशे बनते हैं। और इसमें खूब सारा सब्ज़ धनिया मैंने ऐड कर दिया, प्याज को चॉप करके ऐड कर दिया, सब्ज़ मिर्चें डाल दी, तो सब्ज़ धनिया भी अच्छा सा डाल दिया मैंने, धो के सारी चीज़ें अच्छी तरह से डाल दी। और जो मैंने मसाला एंड पे पीसा हुआ था सूखा धनिया और ज़ीरा और वो जो गोल वाली लाल मिर्चें थी, वो भी मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया, उसका बड़ा अच्छा से इसमें फ्लेवर आता है। और अब ये सीन हुआ था कि ये मैंने जो कबाब बनाने वाला काम है ना वो एक दिन पहले किया था और पीस के मैंने रख दिया था फ्रिज में। और ये जो चीज़ें मैं अब ऐड कर रही हूँ ना इसमें, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, ये धनिया वगैरह मसाला, ये मैं नेक्स्ट डे इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे कुछ गेस्ट आ गए थे तो फिर मैं उधर बिज़ी हो गई और फिर मुझे टाइम नहीं था इतना। फिर मैंने फ्रिज में ये सारा मिक्सर रख दिया था, इनको पीस मैंने लिया था। मैं प्रेशर कुकर में ही ना ऐसे वो जो डंडे की मदद से उनको हाथ से ही ऐसे पीस लेती हूँ उसी बर्तन में, चॉपर से मैं नहीं करती। आप चाहें तो उसमें भी कर लेते हैं, कुंडी वगैरह में भी कर लेते हैं, लेकिन मैं ना उसी में कर लेती हूँ। तो इसमें आज मैंने एक ये किया था काम कि इसमें मैंने एक अंडा भी ऐड कर दिया था। नॉर्मली जो है ना मैं एग इसमें ऐड नहीं करती, ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन आज फिर मैंने कहा था चलें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। मैं इसको कोशिश करूँगी कि ऐसे ही फ्राई करने की, इसको मैं एग की कोटिंग करके नहीं फ्राई करूँगी। तो मैंने कहा आज चलें थोड़ा सा एक्सपीरियंस ना ज़रा डिफरेंट करते हैं। तो ये देखें कितने रेशे वाले ऐसे कबाब बनते हैं शामी कबाब ना, अगर आप हाथ से करेंगे तो, अगर चॉपर में करेंगे तो ऐसे रेशे गोश्त के नहीं बनते, बीफ के ना ऐसे रेशे नहीं बनते। तो मेरा मिक्सचर रेडी हो गया था और मैंने पैन रख दिया था चूल्हे पर। और फिर मैंने कहा था कि चलें शाम की चाय का टाइम भी हो गया था, तो ये नेक्स्ट डे है,
जिस दिन बनाए थे ना उसके अगला दिन आई है, तो शाम की चाय का टाइम भी हो गया था, तो मेरी बेटी भी कह रही थी कि मम्मा कबाब बनाए तो खाते हैं चाय के साथ ना, तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ, दो चार मैं बनाऊँगी और फिर मैं अंदर सुकून से बैठ के बनाऊँगी, क्योंकि किचन में इस टाइम मैं फुल पसीनों पसीनी हुई हुई थी और गर्मी मुझे काफ़ी लग रही थी, काफ़ी मैं और भी काम साथ साथ कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने कबाबों को अच्छी सी शेप दे ली और इसमें नॉर्मल साइज़ के मैं रखूँगी, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं। जो शामी कबाब होते हैं ना, अगर आपकी फ्रिज में पड़े हों तो फिर आपको इतनी टेंशन भी नहीं होती कि इससे आप पुलाव भी बनाएं, बिरयानी बनाएं, तो उनके साथ ये बड़े अच्छे लगते हैं। पुलाव बिरयानी या सादा चावल भी आप बनाएं तो बड़े अच्छे लगते हैं। इसके अलावा बच्चे ऐसे हम चाय के साथ भी खा लेते हैं शाम को, और बच्चे जो हैं वो खाना भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ऑयल हो गया था गरम और मैं इन कबाबों को ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। आज मैंने इनको एग की कोटिंग नहीं की थी, नॉर्मली हम वैसे फ्राई करते हैं, अंडा लगा के फ्राई करते हैं। आज मैंने एक्सपीरियंस करना था कि ऐसे कैसे फ्राई होंगे, क्योंकि एग मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था, मिक्सचर के अंदर ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे ना थोड़ा मैंने फील किया कि ये कबाब जो है ना वो थोड़े से ना ज़रा ढीले हो गए थे, यानी कि थोड़े लूज़ हो गए थे और इतने ना वो नहीं थे, क्योंकि बाइंड नहीं सही तरह हुए थे, तो वो उनको मुझे हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। पर इनका फ्लेवर जो था ना वो बड़ा ही आला था और क्रिस्पी से ऊपर कोटिंग इसकी ऐसे हो गई थी, तो बड़े मज़े के बहुत बने थे। मैंने टेस्ट कराए थे सबको तो बड़े ही अच्छे बने थे। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैंने सोचा कि जब मैं फ्राई करूँगी तो मैं इसको अंडा लगा के ही फ्राई करूँगी, क्योंकि वैसे ना इसकी शेप बड़ी अच्छी लगती है। तो ऐसे भी ये बड़े कमाल के थे, ज़ैनब ने बड़े मज़े से खाए और फिर मैंने भी एक टेस्ट किया था, अम्मी को कराया चेक, तो अम्मी कहती बड़े अच्छे बने हैं। तो बड़े शामी कबाब का काम जो है ना ये दो दिन में पूरा हुआ है, क्योंकि गेस्ट आ गए थे, मैंने आपको बताया पहले भी, तो ये दो दिन में मेरी रेसिपी मुकम्मल हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी हो गई। तो बाकी जो सारे कबाब हैं मैं बनाकर, तो मैं उनको फ्रीज़ कर लूँगी जिप लॉक बैग में डाल के, जब वो अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं उनको फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये फिर उस दिन की वीडियो है जिस दिन मैं मेहमान शामी कबाब भी मैं साथ साथ बना रही थी और कुछ गेस्ट आ गए थे, तो उन्होंने मुझे कॉल कर दी थी अम्मी ने कि मेहमान आ रहे हैं घर में, तो मेरे हस्बैंड के मामू की डेथ हो गई थी कुछ दिन पहले, तो उनका ख़त्म था, तो उधर से फिर हमारी तरफ आना था मेहमानों ने ना, इनके मामू ही आ रहे थे दूसरे, तो मेरे हस्बैंड के मामू ही आ रहे थे। तो यहाँ पे फिर मैं बना रही हूँ मटन का सालन, और यहाँ पे मैंने सिंपल लहसुन प्याज़ वगैरह डालकर, तो मैंने गोश्त को गलने रख दिया था, और इसमें फिर मैंने जल्दी जल्दी से फिर मैंने वो कबाबों को जो है वो मैंने साइड पे किया, और यहाँ पे मैंने सारा वो गोश्त वगैरह जो मेरा थोड़ा गल गया था, तो उसमें फिर मैंने टमाटरों का पेस्ट बना के डाल दिया। तो अब इसमें ऑयल डालकर तो गोश्त को अच्छी तरह से भून लूँगी। तो गोश्त की थोड़ी, ये ईद का जो गोश्त होता है इसमें थोड़ी सी ना महक सी होती है हल्की, तो इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने भून भून के इसको भून भून के, तो फिर ऐसे ड्राई सा हल्का सा ग्रेवी सी रखनी थी, तो फिर मैंने ऐसा सालन हमारा बिल्कुल डन था अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी जल्दी सारे काम किए, और फिर मेरी जो देवरानी जेठानियाँ सब मामू आ गए थे, गेस्ट आ गए थे, तो फिर सब ने मिल के हमने फिर उनको खाना सर्व किया, किसी ने रोटी बनाई, किसी ने उनको मतलब पानी शानी बना के दिया, शरबत फालसे का जूस वगैरह बना के दिया, और फिर एक मेरी देवरानी ने ये बलियाँ बनाई हुई थी पकौड़ियाँ वो भी ले आई, सैलड उन्होंने फटाफट बना दिया, तो ऐसे हमने मिलजुल के ना सब ने तो सारा काम कर लिया, सैलड भी हो गया, खाना भी हो गया। क्योंकि वो आए थे तो वो कह रहे थे कि मैंने लाइट सा ही खाना है, तो इतना आप ना करना, चावल चावल ना बनाना, तो फिर हमने फटाफट रोटियां बना ली थी घर में ही, क्योंकि वो घर की ही पसंद करते हैं, और थोड़े से कबाब हमने फ्राई कर लिए थे, ये पहले से भाभी के फ्रिज में पड़े हुए थे। तो यहाँ पे मेहमान जो हैं बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, तो मैंने हल्का सा क्लिप ले लिया, क्योंकि ये मेरी वीडियोज़ देखती हैं, जो मामी हैं मेरी वीडियोज़ देखती हैं, तो फिर मैंने कहा था कि मैं फिर आपको ना थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी एक और रेसिपी मैं बना रही हूँ अपने बेटे की फरमाइश पे, तो बस मेरा यही काम होता है सारा दिन, बस मैं किचन में ही रहती हूँ, और बच्चों को छुट्टियाँ तो तो बच्चे कहते रहते हैं कि अब क्या खाएं, तो अब क्या खाना है। तो मैंने ना फ्रिज सारी साफ़ की थी अच्छी तरह से, ना क्लीनिंग की थी उसकी, फ्रिज की हर चीज़ निकाल के मैंने डीप क्लीन किया था,
तो उसको मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं बड़ी उस टाइम पे मतलब बिज़ी थी और सारा मैंने बड़ा खलारा डाला हुआ था। तो मैंने ना सवैयाँ फ्रिज में रखी हुई थी कुछ ना, तो वो अमूमन मैं ऐसी चीज़ें फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि फिर इनको कीड़ा वगैरह नहीं लगता। तो यह हाथ की बनी हुई सवैयाँ, जैसे इनको पोटे वाली सवैयाँ कहते हैं, तो ये कुछ पड़ी हुई थी तो फिर ये बच्चों को नज़र आ गई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये ना इनका भी काम आज तमाम करें। तो ये अब मेरी चची बना के मुझे देती होती हैं तो वो फिर से दे देंगी, तो मैंने कहा इसको तो ख़त्म करूं, ये काफ़ी देर की पड़ी हुई थी लेकिन इनको ज़रा भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुई थी, मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया था, कोई कीड़ा शीड़ा इनको नहीं लगा था। तो यहाँ पे मैं देसी घी में इसको भून रही हूँ सवैयों को, और ये थोड़ी सी थी बस ना, तो फटाफट ये बन जाती हैं, लाइट ब्राउन इसको कर लेंगे हम, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं हमने करना, अगर करेंगे तो फिर ये ना फिर गलती नहीं है ज़्यादा जल्दी, तो इसलिए फिर हमने लाइट ब्राउन करके। तो मैं इसमें कर दूँगी पानी ऐड, पहले मैंने इलायची भी इसमें ऐड की घी में ऐड करके ना इलायची, और फिर मैंने इसको सवैयों को भूना है। तो बस ये हल्की ब्राउन सी हो गई थी, तो यहाँ पे मैं ना इसमें डाल दूँगी पानी, और पानी आपने मैंने अंदाज़े से ही डालती हूँ जितनी मुझे लगता है कि इनमें ये काम हो जाएगा, ये सवैयाँ गल जाएंगी। इतना आपने पानी ऐड करना है कि बस ना ये ज़रा अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए, तो ये इसका बस पैमाना होता है। तो इसमें ही अब मैं चीनी ऐड कर दूंगी और जितनी भी मुझे रिक्वायर होगी चीनी मैंने डाल दी, और अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और इसका पानी जो है ना वो सारा ड्राई कर देंगे, और पानी जब ड्राई हो जाएगा तो इसको दम लगा देंगे 5-7 मिनट के लिए, सिर्फ दम लगाएंगे। देखें पानी इसका सारा ड्राई हो गया है, हल्का सा रह गया है, तो इसको भी हम ड्राई करके तो इसको हम दम लगा देंगे और हमारी मज़ेदार सी सवैयाँ जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। तो ये मेरे बच्चों को बड़ी ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसको मैं दम लगा दूंगी 5 मिनट के लिए और मज़ेदार सी सवैयाँ हमारी रेडी हो जाएंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।